अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो मेरे जितने क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के मुझे फॉलो करने वाले मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं है, कुछ ही हैं, तो उन सब के लिए वीडियो इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट होने लगी है। मुझे इंडियन और पाकिस्तानी जितने भी मेरे भाई हैं बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं कि यार भाई, आप पेड क्रिकेट खेलते हो कि नहीं खेलते, और आपकी पेड क्रिकेट का उधर क्राइटेरिया क्या होगा, आप अगर हम आए तो पेड क्रिकेट खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते। तो आज आपकी इंशाल्लाह मैं सारी क्यूरीज को कवर करने की कोशिश करूंगा। मुझे अपने इंस्टाग्राम में साथ मेंशन करूंगा, अगर आप मेरे से कुछ मिसिंग हो जाते हैं, कुछ मैं चीजों को कवर ना कर पाया, तो आप मुझसे उधर भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। मैं वैसे भी बहुत सारे लोगों का पहले भी जवाब दे चुका हूं, तो अगर आपको थोड़ी सी भी अगर कोई क्यूरी हुई आपकी, तो मेरे से प्लीज इंशाल्लाह जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। जवाब तो यह है गाइज, मैं इधर पेड क्रिकेट नहीं खेलता, मैं एज ए स्टूडेंट हूं इधर, और पेड क्रिकेट के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो कि आज मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि सारी कवर करूं उन क्राइटेरियाज को। और गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आगे जाने से पहले, प्लीज गाइज मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे बहुत सी पहली वीडियोज पे, क्रिकेटिंग वीडियोज पे स्पेशली, बहुत सारे नॉन सब्सक्राइबर्स के व्यूज थे, लेकिन उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। जितने क्रिकेटिंग के जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको साथ साथ देता रहूंगा, अपनी साथ साथ क्रिकेटिंग की मैचेस भी बाद में जब सीजन स्टार्ट हुआ तो इंशाल्लाह अपलोड साथ करता रहूंगा, कोशिश करूंगा। और जो मैसेज मैंने इधर खेले हैं उनकी मैंने जो लाइक लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, आप जाके वो भी देख सकते हैं सारे। तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट होने लगी है। आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि जितना इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर अप कर सका करूंगा, और साथ साथ बाकी भी वीडियोस बनाऊंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जो क्लब क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट की काउंटीज होती हैं, आपने सुना होगा कैंट काउंटी, मिडिलसेक्स, ससेक्स, ये आपने सारी काउंटीज के नाम सुने होंगे। इन काउंटीज के क्लब्स होते हैं, हर काउंटी में तकरीबन कह लेंगे 100 अबव क्लब होते हैं, मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन हमारी जो काउंटी है इसमें तकरीबन आसपास है। तो गाइस वीडियो में स्टार्ट करूंगा, साथ अपना वॉइस ओवर करूंगा, क्योंकि आप एंजॉय करेंगे मेरे क्रिकेटिंग वीडियोस जो कि मैंने इधर खेली हैं, ताकि आपकी ये वीडियो ज्यादा बोरिंग ना हो जाए। आपको मैं थोड़ा क्राइटेरिया पूरा किस्म का एक समझाऊंगा इसे। और केंट काउंटी के डिविजन्स हैं, और हर क्लब्स की अपनी डिविजन्स, हर काउंटी की सॉरी अपनी डिविजन्स होती हैं, और जो टॉप टू डिविजन्स होती हैं प्रीमियर और चैंपियनशिप, वो डिपेंड करता है किसी भी दूसरी काउंटी की, डिफरेंट हो सकती है, लाइक फर्स्ट डिविजन हो सकती है, सेकंड डिविजन हो सकती है। केंट काउंटी की फर्स्ट जो डिविजन है वो कहलाती है प्रीमियर डिविजन, जो सेकंड डिविजन है वो कहलाती है चैंपियनशिप डिविजन, जो उससे नीचे है उसको कहते हैं फर्स्ट डिविजन। मतलब जी इनकी टॉप है वो प्रीमियर है, और इनकी 10 डिविजन्स हैं, 10 से 11 डिविजन्स हैं। हर डिविजन में 10 टीम्स होती हैं, जो टॉप टू टीम्स हर सीजन में फिनिश करती हैं वो नेक्स्ट डिविजन में जाती हैं, और जो लास्ट टू जो होती हैं वो रेलीगेट करके निचली डिविजन में चली जाती हैं। जो प्रीमियर होती है उसकी जो टॉप टीम होती है वो लीग की विनर होती है, जिस तरह लाइक हर डिविजन की इसी तरह लीग की विनर होती है जो टॉप कर जाती है। अगर आपने यूके में आके क्रिकेट खेली है तो आप मेक श्योर करें कि आप अच्छी डिविजन्स में खेलें, ताकि आपको कॉम्पिटिटिव क्रिकेट मिले, क्वालिटी क्रिकेट मिले। और मैं इधर अभी चैंपियनशिप डिविजन में खेल रहा हूं कैंट की तरफ से, मैं फोक्सटन का प्लेयर हूं, और मैं लास्ट टू सीजन अल्हम्दुलिल्लाह टॉप परफॉर्मर रह चुका हूं फोक्सटन का अपनी क्लब की साइड से। और जो मुझे पहले से जानते हैं, मेरी वीडियोज की डिस्क्रिप्शन भी नीचे गिवन होंगे, मेरी जो मैचेस की बाकी वीडियोस हैं, साथ में वार्ड नाइट्स की जो वीडियो है वो भी नीचे ही है, आप वो भी देख सकते हैं। सारी वीडियोस मैंने नीचे टैग की है, सारी मेंशन है वीडियोस मेरी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं पेड क्रिकेट की तरफ। पेड क्रिकेट खेलने के क्राइटेरियाज कुछ ऐसे हैं कि तीन किस्म की कैटेगरीज हो सकती हैं, ठीक है, और उससे पहले आप जितनी भी डिविजन्स हैं इनकी जो क्लब्स टीम्स होती हैं इनकी 5-11 होती हैं। 5-11 में जो टॉप टू 11 होती हैं, फर्स्ट 11 और सेकंड 11, इनके जो प्लेयर्स होते हैं अच्छे प्लेयर्स होते हैं, जो कह लेंगे इनके फर्स्ट क्लास भी कुछ हो सकते हैं उसमें, या जो कि जो भी काउंटी है लाइक मिडिलसेक्स होगी या कैंट होगी, इसके जो कह लें अच्छे प्लेयर्स हैं, मर्जिंग प्लेयर जो कि फ्यूचर में इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं काउंटीज को, वो प्लेयर इसमें खेलते हैं, इन दो 11s में खेलते हैं। अंडर 19 क्रिकेटर्स हो गए या थोड़े मेच्योर क्रिकेटर्स भी हो गए तो वो उसमें खेल सकते हैं। ये जो दो 11s होती हैं ये पूरे यूके में ये एक अपना ओवरसीज प्लेयर हायर करती हैं, लाजमी होता है इनके लिए कि इन्होंने एक ओवरसीज प्लेयर खिलाना ही खिलाना होता है। तो ओवरसीज प्लेयर का ये होता है कि अगर आप जिस तरह स्टूडेंट अगर आप यूके में आए हैं तो आप 180 डेज तक आप इनके ओवरसीज कंसिडर होते हैं, उससे पहले पहले आप इनकी फर्स्ट 11 या सेकंड 11 में नहीं खेल सकते। अगर इनके पास फर्स्ट 11 का ओवरसीज या सेकंड 11 का ओवरसीज प्लेयर नहीं है तो ये आपको कंसिडर करेंगे एज एन
ओवरसीज प्लेयर, ठीक है। और अगर आप इनके पास है तो आप इनकी फर्स्ट और सेकंड इलेवन से नहीं खेल सकते, आप इनकी थर्ड इलेवन फोर्थ इलेवन में खेलेंगे जिसका स्टैंडर्ड बहुत ही लो होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर बूढ़े खेल रहे होते हैं, बच्चे भी साथ आपके मिक्स खेल रहे होते हैं, तो वो एक लो स्टैंडर्ड होता है। तो अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और इधर आपकी आपने खेलनी है पेड क्रिकेट खेलनी है, तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपने इंडिया या पाकिस्तान से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए ईच ईयर आपने 5 मैचेस ज़रूर खेले होने चाहिए। अगर आपने 5 मैचेस खेले हैं तो ये आपको कंसिडर करेंगे, आपको पे करेंगे, अच्छा पे करते हैं, 6,000-7,000-8,000 तक भी ये जाते हैं पर सीज़न, और इनका सीज़न मई से सितंबर तक के दरमियान होता है। और उसके बाद ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स का क्राइटेरिया कि इस पे अगर वो पूरा उतरते हैं तो इधर आके वो खेल सकते हैं। और उनके लिए अगर अप्लाई करने का मैं कहूं तो वो थ्रू इनके डिफरेंट, आप गूगल करके डिफरेंट क्लब्स, आप यूके में डिफरेंट क्लब्स, जिस भी जगह का आपका नाम पता आप उधर जाके टाइप करें, उनके अच्छे क्लब्स ढूंढें, अच्छी फर्स्ट डिवीजन के क्लब्स ढूंढें, फर्स्ट इलेवन उनकी, उनसे मेल करें, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनको अपने स्टैट्स शो करा सकते हैं और लिंक भेज सकते हैं, इस तरह आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात आ गई कि अगर आप पाकिस्तान और इंडिया में आप स्टेट क्रिकेट खेल रहे हैं, लाइक जूनियर स्टेट खेल रहे हैं, और पाकिस्तान में आप अंडर 19 खेल रहे हैं या आप सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हैं, सेम इंडियन प्लेयर्स के लिए भी है, अगर आप ये क्रिकेट खेल रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप इधर आके पेड क्रिकेट खेलें, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप इनको पहले मेल्स करें। आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन उनके लिए ये होगा कि आपको उनको मेल करेंगे, इनके क्लब्स को आप उनको मेल करें। अगर आपके ऑनलाइन स्टैट्स हैं, अच्छे स्टैट्स हैं, आप उनको दिखा सकते हैं कि यार ये हमारे स्टैट्स हैं। अगर आप उनको लगे कि यार आप उनको लाइक बेनिफिट कर पाएंगे, आपको आप उनके लिए ठीक साबित हो सकते हैं, अच्छे साबित हो सकते हैं सीज़न में, तो वो आपको ज़रूर कंसिडर करेंगे। और अगर कंसिडर करते हैं तो आपको इतना बेसिक ना पे करें, लेकिन आपको मिनिमम आपको कह लें कि 3,000-4,000 pounds पर कह लें कि सीज़न आपको वो पे कर सकते हैं। और अगर आप क्लब क्रिकेटर हैं और इसी तरह अगर आपने लाइक सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेली है या कह लें कि अंडर 19 या स्टेट जूनियर खेली है इंडिया में, तो आपके लिए फिर ये होगा कि आपको इधर विजिट पर आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको इधर प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। विजिट पे आके आप इधर किसी भी अच्छे क्लब के साथ खेल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। 180 डेज तक आप उनके ओवरसीज प्लेयर कंसिडर होंगे, इसलिए आप उनकी फर्स्ट इलेवन और सेकंड इलेवन में नहीं खेल पाएंगे अगर उनके पास फर्स्ट इलेवन का ओवरसीज या सेकंड इलेवन का ओवरसीज मौजूद है, तो आप फिर नहीं खेल पाएंगे। अगर आप उनके पास नहीं है तो आप उनकी फर्स्ट इलेवन या सेकंड इलेवन से खेल सकते हैं, लेकिन वो शायद आपको पे ना करें क्योंकि आपका फर्स्ट सीजन होगा, आपका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन आपको थर्ड फोर्थ इलेवन से खेलना पड़ेगा, ठीक है, 180 डेज तक, तो आपको एक सीज़न ऐसा लगाना पड़ेगा उनके साथ। फिर अगले लाइक ईयर में अगर आपकी वो परफॉर्मेंसेस देखते हैं, लाइक आपको वो देखते हैं कि आप टेक्निकली कितने साउंड हो, आप कितने अच्छे हो, टेम्परामेंटली आप कैसे हो, अगर आप उनको अच्छे लगे तो वो आपको नेक्स्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे भी बुला सकते हैं। वो आपको थोड़ा चीप कॉन्ट्रैक्ट देंगे क्योंकि ये क्लब को बेनिफिट करेगा, और आपको वो बुला के आपको कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर आपको इस तरह भी आके बुला सकते हैं। तो ये दो पॉइंट्स हैं जिस तरह आप कह लो कि आप इधर आके पेड क्रिकेट खेल सकते हो। और अगर आपको वो नहीं बुलाते फिर भी आपके जो आसपास जिन क्लब्स के अगेंस्ट आप खेले होंगे, अगर उनमें से आपको अगर कोई क्लब देख ले तो वो भी आपको पिक कर सकता है, वो भी अपने क्लब्स के लिए आपको बुला सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने एक ही क्लब से आगे खेलना है, आप डिफरेंट क्लब से भी आगे खेल सकते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया हो सकता है, इस तरह आप आगे कह लें कि इधर खेल सकते हैं। और ज़्यादा था गाइज मेरा ताल्लुक है, मैं इधर अल्हम्दुलिल्लाह 2 सीज़न लगा चुका हूँ। मैं कैंट की चैंपियनशिप डिवीजन से खेल रहा हूँ, फोक्सन की टीम से मैं खेल रहा हूँ, फोक्सन क्रिकेट क्लब। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सीज़न में अपने क्लब का बेस्ट प्लेयर हुआ था, बेस्ट बैटर हुआ था, और सेकंड बेस्ट बॉलर था, बेस्ट लाइक प्लेयर ऑफ द सीज़न मुझे अवार्ड मिला था। और जो सेकंड मेरा सीज़न है इसमें, जो अभी लास्ट सीज़न अभी जो गुजरा है सितंबर में फिनिश हुआ है, इसमें मैं टॉप विकेट टेकर था और सेकेंडली सेकेंड बेस्ट बैटर था मैं। मेरे से एक दूसरा लड़का वो मेरे से टॉप कर गया था, और पूरी लीग में लास्ट सीजन जो फर्स्ट सीजन था मेरा इधर, उसमें मैं पूरी लीग में लाइक कह लें कि 100 out of 16 नंबर पे था, 16 पे। और इस बार मैं कह लें 100 out of 17 पे था,
और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे सीजन है, क्योंकि एज एन ओवरसीज इधर आके परफॉर्म करना बहुत टफ होता है। मैंने ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स से अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा रन किया हुआ है, लाइक उनसे ज़्यादा मैं कर पाया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट है। तो अब मेरा जो स्नैरियो ये होगा कि मैंने इधर 2 सीजन एक टॉप लेवल के लगाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे सीजन लगाए हैं। अब मैं दूसरे क्लब से ट्राई करूंगा किसी क्लब से कि यार किसी को अपने वो स्टैट्स दिखाऊं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूं, पेड क्रिकेट जाके अब मैं भी खेलूं, क्योंकि मैं अब एक कह लें कि कुछ एलिजिबिलिटी में आ गई हूं, क्योंकि मैं इधर परफॉर्म कर चुका हूं। तो ये इस तरह आके आपके गाइस लाइक कह लो कि आप इधर आके क्रिकेट खेल सकते हो, अगर आप स्टूडेंट भी हो, अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हो। मैंने कोशिश किया कि यार आप जिस तरह भी आपको एक्सप्लेन कर सकूं अपने थ्रू, मैंने मेरे ख्याल से बेस्ट एक्सप्लेन आपको किया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मेरा ये पूरा जो इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था बहुत पसंद आया होगा। और गाइस जो भी आपको क्यूरी हुई आप मुझसे रब्ता करें, प्लीज़ गाइस मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इंशाल्लाह आगे मैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जितने भी लाइक बना सका, क्रिकेट के वाले से, रोज़मर्रा ज़िंदगी के वाले से, लाइक स्टूडेंट रूल्स के वाले से, जितना भी हो सका मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। और गाइस इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।